वेलकम टू एमटीवी वेब्ड। सीजन टू में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे इश्यूज जो आजकल टीनेजर्स की लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल, पीयर प्रेशर। टीनेज इज ऑल अबाउट बीइंग कूल, राइट? कूल फ्रेंड्स, कूल कॉलेज, कूल गैजेट्स। एंड नाउ विद सोशल नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, टीनेजर्स अपनी लाइफ की हर कूल डिटेल को इंस्टेंटली अपडेट कर सकते हैं। बट वॉट अबाउट दोज हु कांट अफोर्ड ऑल दीज सपोज़ेड कूल थिंग्स? क्या इंटरनेट पर पीयर प्रेशर की वजह से हमारे टीनेजर्स की लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है? आज की हमारी कहानी है दो बहनों की, प्रीति और मुक्ति, जिनकी लाइफ काफ़ी सिंपल थी, टिल दैट वन मिस्टेक ऑन द वेब दैट चेंज देयर लाइव्स फॉरएवर। हेलो प्रीति। हाँ। बहन जी कौन है उसके साथ? वो उसकी बड़ी बहन है यार, उसका आज ही ट्रांसफर हुआ है, हमारा कॉलेज आज से ज्वाइन कर रही है वो। ये इतनी सारी कार्स टीचर्स की है? नहीं, दी स्टूडेंट्स की है। माय गॉड, तो क्या सारे स्टूडेंट्स गाड़ी में आते हैं? नहीं, सिर्फ थर्ड ईयर वालों को अलाउड है, फिर सब लेके आते हैं। तुझे तो इन लोग से बहुत कॉम्प्लेक्स फील होता होगा ना? नो दी, चिल, यहाँ सब बहुत अच्छे। चलो मैं तुम्हें अपने गैंग से इंट्रोड्यूस करती हूँ। हाय शर्लॉक। Nice hair, good dude. Hi, Trisha. Hi. She's my Mukti di. Hi. Which course? Computer science. Oh. Computer science? यार एक वेबसाइट बना लो ना मिलने, please. Gosh, Sherlock, don't start it again, yeah, please. Hey, Sid. Sherlock, जाके arrangements देख लो, please. कौन सी arrangements? कल Sid की birthday party है, so we are planning something out for him. That's nice. Nice क्या? तुझे भी आना है? हर time नहीं चलता है, बहुत हो गया. Please, तू आ रही है यार. त्रिशा, I don't even know Sid that well, और वैसे भी मुझे ऐसी पार्टीज पसंद नहीं है, मैं नहीं आ सकती। ओए, सिर्फ देखते रहना है ना, तो पोस्टर लगवा ले अपने घर पे। कब जाके बात करेगा यार? Dude, are you scared to talk to her? I'm not scared यार, but थोड़ी तो फटती है ना यार। वो कौन है? दी, वो सिड है, जिसकी बोलते हैं। Looks rich, yeah. ये पार्टी तो बहुत ही हैपनिंग होगी फिर। इनकी तो रोज ही पार्टीज होती है और रोज ही सब कुछ बहुत हैपनिंग होता है, बट नॉट माई टाइम। क्यों? उनके इतने एक्सपेंसिव हाउसेस, डिजाइनर क्लोथ्स। अरे तो क्या हुआ, तू भी एक नई ड्रेस खरीद ले। दी, वी कांट अफोर्ड इट। अरे एक बार पापा को पूछ के तो देख। देख प्रीति, लिव योर लाइफ, ये सारे दिन ना तेरे लिए वापस कभी नहीं आने वाले। थिंक अबाउट इट। आर यू श्योर? ठीक है, मैं इंक्वायरी करके कहता हूँ। ओके, कहते हैं पिछले दो साल से पेमेंट नहीं हुई। ये कैसे हो सकता? पता नहीं, मैं प्रशांत से बात करता हूँ, और अगर नहीं हुई है तो। नहीं नहीं, हमारा बेटा हमसे क्यों झूठ बोलेगा? पापा। हाँ बेटा। वो कुछ पैसे चाहिए थे, शॉपिंग के लिए जाना था। शॉपिंग? तुम दोनों ने पिछले महीने ही शॉपिंग की थी ना? अरे मम्मी, वो तो कैजुअल्स कपड़े थे। अब कल इसके एक फ्रेंड का बर्थडे है, वहाँ उसे एक पार्टी ड्रेस पहननी है, सब कितने अच्छे कपड़े में होंगे, इसीलिए। तो क्या हुआ? वैसे भी तुम्हारे भाई के पेमेंट्स कितने चाहिए बेटा? 500। 500? 500 में कौन सी रहता थी? ये लो, 1000। सारे खर्च मत कर देना। थैंक यू पापा। ठीक, यहाँ पे तो 5000 से स्टार्टिंग है। क्यों, यहाँ 500 में कुछ नहीं मिलेगा क्या? क्या दी, आई थिंक आई शुड चक द प्लान। अरे सुन, यहाँ पे आ गई है तो ट्राई तो कर ले, मे भी कुछ अच्छा लगे। ट्राई दिस, दिस लुक रियली नाइस ऑन यू। ओके। What do you think? Wow, it looks really pretty. Tum, try these on too. Wow, this is lovely. My God, Preeti. Ab, main bhi try kar leti hu ek do.
कहाँ से लेके आए आप? तू वो सब टेंशन मत ले, तुझे तेरी ड्रेस मिल गई ना बस। 5,000 रुपीज? इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? ये फ्री की है, वहाँ ट्रायल रूम में कपड़ों के नीचे पहन के निकल गई और किसी को पता भी नहीं चला। What? आपने चोरी की? आप चोरी कैसे कर सकते हो? I know कि मैंने गलत किया है, लेकिन उस स्टूपिड सी ड्रेस की वजह से I couldn't see you sad. I'm sorry. दीप, आप भी ना। Preeti was a level-headed girl. उसको अपने फ्रेंड्स के शो ऑफ की आदत थी, बट मुक्ति उसके लिए दिस ग्लिटर वॉज न्यू एंड एक्साइटिंग। वो खुद तो उसका पार्ट नहीं बन सकती थी, पर प्रीति को उसका हिस्सा बनाने के लिए शी स्टोल अ ड्रेस। उसके दिमाग में ये गलत नहीं था, बिकॉज शी वॉज डूइंग इट फॉर प्रीति। Looking nice, yaar. Zara, right? Yeah. Looking nice. Come. Everybody is waiting for you. Let's go. It was the most wonderful resort I've ever seen. 3.5 lakhs just for 2 days. Oh, God. Yeah. And you know what? The worst thing was, main ja bhi nahi paayi. Because same day, main bimar ho gayi. Can you believe it? Hell yeah, babes. Refund mila ki nahi teko? Nahi, yaar. Kuch nahi mila. They didn't have any refund policy. Hey, happy birthday, Sid. Thanks, I'll go. Hey, anybody wants a drink? Hi. Hey, how are you? I'm good. Happy birthday. Thanks a lot. You're looking really beautiful. Thank you. I'm sorry, main koi gift nahi la paayi tumhare liye. Come on, you came. That's the biggest gift for me. Anyways, it's my birthday. Where's your drink? I'll take it. No, Sid, it's okay. We'll manage. It's really late right now. I'll just drop you. Come. Sid, but tomorrow birthday. I don't want to spoil it. We'll manage. I need to take care of my guest, right? Come on. Preeti, uska ghar aa gaya. I'll just open the locks. I'll just come. Wait. I'll come. Okay. We'll manage. You sure? Preeti, तो वापस चले पार्टी में? No, sir, I'm very tired. I just want to go home. वैसे I'm happy कि तुम आई. Normally तुम आती ही हो ना पार्टीज में. I just feel a little out of place. That's all. क्यों? क्योंकि वो लोग रिच हैं? Kind of. Come on, Preeti. वो लोग रिच हैं because उनके पेरेंट्स के पास पैसे हैं ना. And anyways, you're that smart. One day you'll make it big by yourself. Bye. See ya. Take care. Hey, Preeti. Party kaisi thi? Theek thi. Theek matlab? Matlab, did you notice the new shoes that I just got from London? Oh, tumne meri itni expensive dress pe wine gira di. Did you notice my new bag? It's for 5 lakhs.
Come on, Preeti. Give me some hot steamy gossip. क्या हुआ पार्टी में? दी वो लोग 3-4 लाख का वेकेशन प्लान करते हैं और वहाँ जाते भी नहीं है. My God. और बोलते हैं my dad just freaked out. I mean, और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता. Are you serious? कौन वो सिड? नहीं, वो अकेला ही था जो थोड़ा भी नॉर्मल था. उसने मुझे घर ड्रॉप किया. It's sweet of him. स्वीट ऑफ हिम. हाँ दी, जो स्वीट नॉट टू हैपनिंग. ओके, ऐसा वैसा कुछ नहीं है. एंड रिच? अच्छा बता, गाड़ी कौन सी थी? सिड का ही मैसेज है. वो फेसबुक पे मुझे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने को बोल रहा है. Not to happening. अरे that's so mean यार. कितना अच्छा लड़का है और बेचारे ने तुझे अभी रात को घर भी ड्रॉप किया. I think you should accept it. देखा है कितना मोटा है, वजन देखा है उसका. मर जाऊंगी मैं. प्रीति, ये आपका कोरियर. वो अपना साइन फोन नंबर दे लिख दी. फ्रॉम सिड. सिड, थैंक यू. वाओ, तेरा ड्रीमी ड्रेस. आई डोंट वांट ऑल दिस. पर क्या हुआ? ना मुझे सिड चाहिए ना उसकी कोई गिफ्ट. प्लीज मना मत करो. प्लीज सिड, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव. तुम क्यों कर रहे हो ये सब? मैं नहीं चाहता हूं कि तुम किसी से कम हो. इफ दिस ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस, इट्स वर्थ इट ना? विल यू कम फॉर लंच विद मी टुमारो इफ यू आर फ्री? विल कम? ओके. It's okay. You know what, Sid? तुम बहुत फनी हो. तुम इतने भी बोरिंग नहीं हो जितना मैंने सोचा था. वैसे तुम भी उतनी अकड़ू नहीं हो जितना तुम कोशिश करती हो बनने के. How mean? I mean, तुम्हारी जो प्रोफाइल देख करके अज्यूम करा था. वैसे तुम काफी इंटरेस्टिंग हो रही है लाइफ में. इनिशियली प्रीति को सिड के लुक्स, उसका ओवरवेट होना बहुत टर्न ऑफ करता था. बट सिड के गिफ्ट्स और स्पेशल ट्रीटमेंट से प्रीति फेल्ट पैम्पर्ड और मुक्ति भी उसे पूरी तरह सपोर्ट कर रही थी.
Even she liked his company. It all seemed very convenient. दी उन लोगों का ना एक ग्रुप है वो सब मिलके फार्म हाउस जा रहे हैं उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया है हाँ तो सोच क्या रही है जाना पर दी अरे बट क्या तू कभी इससे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर गई है क्या नेवर हाँ तो फिर तो गो बट मम्मी पापा कैसे मानेंगी दी वो भी आउटिंग के लिए वो भी फ्रेंड्स के साथ आपको पता है ना भैया को भी लास्ट टाइम मना कर दिया था हाँ लेकिन उसके बाद अपना सब कुछ गिरवी रख के भैया को लंदन भेजा ना पढ़ने के लिए अब तू मम्मी पापा की टेंशन मत ले मैं भी तेरे साथ चलूंगी वो लोग मना नहीं करेंगे रियली यस दैट्स ग्रेट दी यू आर द बेस्ट मैं बाकी करती हूं ये फार्म हाउस है सिर्फ कहने के लिए फार्म हाउस है एक्चुअली है तो महल ही कमला प्लीज प्लीज कम कॉन्ग्रेट्स भाई आखिर मिल गई तेरी ड्रीम गर्ल थैंक्स सर इसकी आगे नहीं नहीं यार अभी नहीं यार अब तक नहीं भाई कपल्स में ये सब ही होता है मैं तो कहता हूँ जा वेट कर रही होगी तेरा पता नहीं यार आई एम सो हैप्पी फॉर यू यार सिट इज अ डार्लिंग जब से आया है तेरी ही बात कर रहा है तेरे लिए तो पागल हो गया है वो Sit, please don't go now. Stay with me. Preeti. क्या ना है क्यों रही हूँ इसी सब के लिए लेके आए थे ना तुम मुझे यहाँ क्या क्या बात कर रही हो तुम यू नो व्हाट यू सच अ तुम सारे रिच ब्रैट्स होते ही ऐसे यू जस्ट वांट टू स्लीप अराउंड विद गर्ल्स तुमने मेरा ड्रंक होने का फायदा उठाया हाउ डेयर यू यू सच अ लूजर प्रीति प्रीति तुमने एग्री करा था कल रात को तुमने मुझे बोला था यहाँ पे रुकने के लिए यू सच अ जोक तुम्हें लगा था कि होश में तो मैं तुम जैसे मोटे के साथ कभी नहीं सोऊंगी इसलिए तुमने ये सब प्लान प्रीति माइंड योर लैंग्वेज तुमने ही मेरे को बोला था रुकने के लिए यहां पे आई डोंट वांट टू सी योर फेस एवर अगेन प्रीति प्रीति दीपर भाई से कर प्रीति कुछ नहीं जस्ट फॉरगेट इट यार प्लीज जस्ट स्टॉप क्राइंग प्रीति अश्मी प्रीति प्रीति हैड नॉट बीन प्रिपेयर्ड सिड के साथ जो हुआ वो उसे हॉन्ट कर रहा था एंड पुअर सिड ही वॉज इन लव विद प्रीति वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वाई वॉज इट सो रॉन्ग बट देन समथिंग हैपेंड जिसने उन तीनों की लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर दिया लिसन टू मी बट क्या हुआ क्या कहा उसने I can't believe him. उसे साफ मना कर दिया शीतल कहता है कि वो अगर यहाँ पैसे भेजेगा तो वहां सरवाइव कैसे करेगा डैमिट हमने कैसे सरवाइव किया था
जब उसे लंदन भेजा था तब मैंने सारे बॉन्ड सारे शेयर सब कुछ बेचकर उसे लंदन भेजा था। उसकी वजह से प्रीति और मुक्ति आज तक एडजस्ट कर रहे हैं। मैं कब तक काम करूंगा शीतल? उसे तो मेरी तबीयत की भी चिंता नहीं है। मैंने पहले ही कहा था आपको मत भेजो उसे इतना दूर, लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं मानी। मुझे फोन दो, मैं बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं उसे भीख मांगने की। मैं अभी तक जिंदा हूँ। I'll manage on my own. 10 लाख का सवाल है अरविंद, अब तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे बेचकर हम इतना बड़ा अमाउंट रिपे कर पाएंगे। ये घर अभी भी मेरे नाम पे है शीतल, और मैं इससे भीख मांगने से अच्छा है कि मैं इसे बेच दूं। और हम कहाँ रहेंगे भैया? लेकिन मॉम डैड बहुत प्रॉब्लम में है भैया, प्लीज थोड़ी तो हेल्प कर दीजिए। इट्स जस्ट 10 लाख भैया। भाड़ में जाए, हम लोग को उसकी हेल्प ही नहीं चाहिए। मॉम डैड को हम लोग हेल्प करेंगे। दी हम इतनी बड़ी अमाउंट लाएंगे कहाँ से? और ये भैया ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं? सेड ही इज अ रिच गाय, यू कैन आस्क हिम फॉर मनी। थी ये सब होने के बाद आप मुझे ऐसा बोल भी कैसे सकती है? नहीं प्रीति, थिंक अबाउट डैड, एक बार उनके बारे में सोच। और हमसे जब पूरे पैसे नहीं लेंगे, बस थोड़े ले लेंगे, आपको कितनी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर से आई विल स्टार्ट वर्किंग, आई विल रीपे से, सच्ची प्रॉमिस। नहीं दी, आई डोंट। हूज कॉलिंग? सिड। प्रीति एक बार फिर सोच ले। सिड बहुत अमीर है, 10 लाख उसके लिए कुछ नहीं है। He's a nice guy also. प्रीति प्लीज। नाइस गाय दी प्लीज, मैंने कहा ना मैं उसे पैसे नहीं ले सकती। सॉरी प्रीति। सर इवन आई एम सॉरी, मैंने बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया उससे। अच्छा, आई वांट टू शो यू समथिंग। लेट्स कम। सिड, ये सब सिड इसकी क्या जरूरत है? तुम इतने दिन गुस्सा थी तो हर दिन के लिए एक गिफ्ट। कहीं बाहर चले कुछ खाने के लिए? बहुत देर हो गई। Let's go. हेलो। हाँ ब्रो, कहते को लास्ट टाइम मैंने 50,000 रुपये दिए थे भाई। नहीं यार, इस बार पॉसिबल नहीं होगा, डैड को पता लग गया तो बहुत ज़्यादा इश्यूज रहेंगे आगे। नहीं यार, आई एम रियली सॉरी ब्रो। नहीं नहीं, इस बार बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। सॉरी यार। क्या हुआ, कोई फ्रेंड था क्या? हाँ यार, एक फ्रेंड था, उसको लास्ट टाइम 50,000 रुपीज़ दिए थे, बट अभी इस बार भी मांग रहा था। दे जस्ट वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ मी बिकॉज़ ऑफ मनी। आई जस्ट हेट देम फॉर दिस।
I have another plan. लोनावला का हमारा प्लान तो वेस्ट हो गया, राइट? वेल, आई थिंक हम दोनों को और एक ट्रिप पर जाना चाहिए जहाँ हम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके. बस इतनी बात, बताओ कहाँ जाना? अब वो लिंक उसे मेल कर. Have a look at this one. What do you think? प्रीति के लिए उसके घर की सिचुएशन सिट पर उसके गुस्से से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी. मुक्ति और प्रीति अपने पेरेंट्स को डेस्परेटली हेल्प करना चाहते थे एंड दे थॉट मे बी सिड वॉज द सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम. क्या हुआ है? रिजॉर्ट, चलो रिजॉर्ट, चलो रिजॉर्ट जाके देखते क्या करना है. चलो प्रीति, चलो चलो. I'm really not well. I'm not feeling well. वहाँ पे नहीं जा रहे, चलो पास वाले मोटेल चलते हैं. यहीं पे आगे रात को रुक जाएंगे, सुबह निकल के चलेंगे. I'll ask you, यहाँ पे पीछे ही है. चलो बेबी, कम ऑन, स्माइल, चलो आज आज कब कब. कुछ खाने के लिए मंगा लेते हैं. यू वांट टू ईट समथिंग? ओके, कुछ मंगा लेता हूँ. सिड, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे पैसे वेस्ट हो गए. कम ऑन यार, ये सोच के थोड़ा ना होता है. तो बस हो गया ना, अब क्या कर सकते हैं. यू आर रियली स्वीट सिड, बट आई थिंक आई शुड कॉल देम. आई विल आस्क देम फॉर अ रिफंड. अब बट आई थिंक ऐसे एक्सक्लूसिव रिसॉर्ट्स में नो रिफंड पॉलिसी होती है ना. स्टिल आई कैन ट्राई, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट. रियली सिड, पापा को क्या बोलूंगा? पापा को तो जवाब देना पड़ेगा ना कि क्या. जस्ट टेल हिम कि तुम वहां गए थे और मजा नहीं आया, दैट्स इट. ओह गॉड, आर यू ओके? आर यू ओके प्रीति? नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है. सी, मेडिसिन लेकर क्या हूं? हां प्लीज. नहीं, कल डॉक्टर से जाके चेक करवा लेंगे, तब दवाई ले लेना ना प्रीति. बट तुमने तो कहा था कि बहुत बार होता है ऐसा, तो तुम क्या करती हो उसमें? आई मीन, इसको बहुत फ्रीक्वेंटली होता है ना. वन सेकंड. वेबसाइट नॉट अवेलेबल. क्या कर रहे हो? नहीं, मैं कुछ नहीं, वो रिजॉर्ट का वेबसाइट चेक कर रहा था रिफंड के लिए. कोई उनसे बात करके पूछ लूंगा.
यहाँ प्रीति की तबीयत इतनी खराब है और तुम्हें अपने रिफंड की पड़ी है। But that's not fair यार, मेरे को सो तो ठीक हो जाएगी ना, घर तो जा ही रहे कल, तो मुझे रिफंड तो। You man, ना seriously. अच्छा take it easy. सिर्फ तुम भी रेस्ट कर लो ना। हाँ एक्चुअली तुम्हें ड्राइव भी करना है कल वापस घर तक, तो यू ऑल्सो रेस्ट। पर क्या पता कल प्रीति ठीक हो गई तो। प्रीति ठीक नहीं होगी, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। डूड क्या गूगल मैप्स तू स्पाई कर रहे है क्या? ऑर्किड रिसोर्ट। हाँ सिड कैन यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, प्रीति हैज टू रेस्ट। एक सेकंड फोन करता, एक मिनट रुक होल्ड कर रुक। हाँ भाई क्या बात कर रहे हैं? नहीं कोई पुराना इमेज होगा यार। अच्छा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता यार, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, साइट नहीं लोड हो रही है। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता ना, गलत है, चेक कर फिर से। एक मिनट होकर सिट, कैन यू जस्ट स्टॉप टॉकिंग, लिसन दिस इज इम्पोर्टेंट। मैं अकेले जा रहा हूँ, प्रीति बीमार है। हाँ दोस्त ने भेजा था लिंक, आई विल फिगर दिस आउट। स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माई लाइफ, बाय। सर क्या हुआ? मेरा दोस्त कह रहा है कि वेबसाइट का लिंक फेक है, और लिंक तो तुमने भी दिया था मुझे। सिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि हमने तुम्हें? सिर हो सकता है योर फ्रेंड इज रॉन्ग, या मे बी सिर व्हाई डोंट यू कम हियर एंड रेस्ट। आई थिंक आई एम टू वर्क्ड अप विद इट। I have to figure this out. Sid, let it be, yeah. Sid, क्या कर रहे हो? Sid, सुनो तो सही। जिसने मेरे साथ करा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अकाउंटेंट साहब, सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, मुझे एक ट्रांजैक्शन ट्रेस करना है। प्रीति हम लोग फंस नहीं सकते, अगर मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो वो मर जाएंगे। We'll have to do something. क्या करेंगे हम दी? Let's kill him. What? दी आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? दी अभी भी हमारे पास टाइम है। दी प्लीज मेरी बात सुनिए, अभी भी हमारे पास टाइम है। दी ऐसा
Mukti, I'll not leave you. I'll not leave you. You never know. कुछ नहीं होगा किसी को पता यार वो रिसेप्शनिस्ट होटल वाली प्लीज तू सो जा, तू रेस्ट कर प्लीज। नहीं दी, हमें कुछ सोचना होगा। प्रीति स्टॉप बीइंग रेस्टलेस। प्रीति हमें ना यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं आपको बोल रही हूँ वो आ रहे होंगे। कुछ नहीं होगा प्रीति, प्लीज चिल। प्लीज तू रेस्ट कर, तू सो, मैं यहाँ तेरे साथ हूँ, यू रेस्ट। लड़का यहाँ ठहरा था क्या? हाँ ठहरा था ना, दो लड़की के साथ आए थे। अच्छा सर, इस पूरे होटल में सीसी कैमरा टीवी कहीं नहीं है। इन दोनों लड़कों के साथ? हाँ यही लड़की सर। थैंक यू। क्यों किया तुमने ये सब? क्यों मारा तुमने उस लड़के? पापा, हम उसे मारना नहीं चाहते थे पापा। It was an accident, पापा। हम लोग तो बस उससे पैसे निकलवाना चाहते थे पापा, वो भी आपकी हेल्प करने के लिए पापा। पापा प्लीज सेव अस, वी आर वेरी सॉरी पापा, प्लीज। अरेस्ट। पापा नहीं, पापा। इज लाइफ सो चीप कि कोई अपनी जरूरत पूरी करने के लिए किसी की जान ले सकता है? मुक्ति और प्रीति ने शायद सोचा भी नहीं था कि उनका प्लान इस तरह बैकफायर करेगा और इस पूरे इंसिडेंट से एक नहीं, तीन लाइव्स बर्बाद हो गई। वन वर्चुअल कॉन जॉब एंड थ्री प्रॉमिसिंग लाइव्स डिस्ट्रॉयड। किसी चीज़ को बिना समझे और परखे उस पर यकीन कर लेना गलत है, और हमारी गलती की हमें क्या कीमत चुकानी पड़े, वी नेवर नो। सो गाइज, सर्व स्मार्ट एंड स्टे सेफ।